हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमन फैमिली शो। आज की वीडियो है रियल लाइफ के कुछ सच्चे बातें और अच्छे बातें। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाना है, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। हर शख्स परेशान है इस शहर में, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग मुस्कुराने की हिम्मत रखते हैं। आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपसे अनजान हैं, क्योंकि कुत्ते हमेशा अनजान लोगों पर ही भौंकते हैं, सच है ना? और कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती हो। आजकल लोग समझते कम, समझाते ज़्यादा है, तभी तो मामले सुलझते कम, उलझते ज़्यादा हैं। हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। दो चेहरे इंसान हम कभी नहीं भूल सकते, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहे तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहे तो खुश हो जाता है। मैंने भी बदल दिए हैं उसूले ज़िंदगी का, याद करेगा अब सिर्फ वो ही याद रहेगा। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। गौर से सुनिए दोस्तों, इंसानियत मर रही है और लोग जीना चाहते हैं। ज़िंदगी में कोई चीज़ इसलिए जल्दी नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। कभी हारने का इरादा है तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो और कुछ भी कर लो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। ज़रूर याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजान होकर भी अपनों से बढ़कर प्यार देते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, खुश हूँ कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। जीवन में हम अपनी इमेज कितनी भी अच्छी बनाने की कोशिश करें तो भी क्वालिटी सामने वाले इंसान के मन की क्लैरिटी पर निर्भर होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसा मानेंगे। आज हमको सीखना है सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाले एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। खदर किया करो उनकी जो तुम्हारी बुरे बर्ताव के बाद भी तुमसे अच्छे बर्ताव करते हैं। सच है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीक़ा भी बदल जाता है। ज़िंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उसे कभी कुछ ना पूछो
जो तुम पर भरोसा करता हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कर दीजिए लाइक, शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब टू अमन फैमिली शो, और बेल बटन को क्लिक करने से आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।